घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगन राजा, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आंगन राजा, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हेलो कौन सा स्वर है? हेलो मेरी का सीधी हो गई जी। हेलो हम आपको देखिए मेरी बुलाए जी ने मेरे साल पास दे दे जेल। एक मिनट दीदी, ये देखो वाला खुले रखना, तेल को पीरा बिना तेल ले इसका सर पर। हेलो ए तरह तरह के यहां पे नमून ने इनू का ये सगे ये वाले के कर दिया गिरना ये दुपट्टा ले ले जल्दी मारियो ईसा। हेलो गाइस, यहाँ पे सर भर रहा है। सर भर रहा है तेरी तो हिंदी ना बोलिए दुनिया करने रही है। तेरी भी बोली है बस रख दे पांगो हट बोलो कांगो भी आवा मुझे के दिखाना पे आ नहीं कुछ ओ फोटोग्राफर नहीं आए तुम दे हम अंदर लमी हो रहे नमस्ते मामू। दुल्हन की भाभी और मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली। कहीं सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है।
Thank you.
ओम या आत्मदा वरदा यस्य विश्वपास्ते प्रसिद्धम् यस्य देवा यस्य छायामृतम् यस्य कस्मै देवाय हविषा विधेयम्। ओम ओम अर्जे ताली बजाइए जरा जी। एक पैर ऊपर रखना चाहिए ना। अरे तू सा अपना दूसरा पैर करवा दे। दूसरा पैर, दूसरा, दूसरा, दूसरा। सामने देख रहा हूँ। थोड़ा आगे आ जाओ अंजू। आगे आ जाओ आगे थोड़ा। हाँ। थोड़ा स्माइल रखो यार, चेहरे पर। फायदा क्या तेरा बैठने का? चुप है। चलो चलो। आज भाई थोड़ा इस साइड है। स्माइल करो थोड़ी। मारी वारी कर देनी, मेरी वारी कर। सामने देखो भाई जी।
हे कन्या विष्णु भगवान अन्न लाभ व मन वांछित फल सिद्धि के लिए तुम्हें पहले भाव बनाए तो पहला भाग रखती हुई कन्या कहती है कि धन धान्य ध्यान से सुनना कन्या क्या कह रही है आपने कि धन धान्य विष्ठान व्यंजन आदि घर की जो भी वस्तु हो उनको मेरे अधीन करना मैं वचन करती हूँ कि उचित रीति रिवाज से घर के काम काजों में सभी खर्च निभाऊंगी मंजूर है कन्या विष्णु भगवान तुम्हारे श्री राजे में पद वृद्धि के लिए तुम्हें दूसरे भाव सुनाए तो पद कहती है ठीक है कि दुख में धीरज धर सुख में प्रसन्नता रख सदा आप सभी से प्रिय वचन बोलती हुई आपके सारे परिवार का पालन पोषण करती रहूंगी यह मेरा दूसरा वाक्य है ठीक है जी तो सिपाही बता देगा इसके पता कराना प्रिय विष्णु भगवान तुम्हारे विशेष रूप से धन समृद्धि के लिए तुम्हें तीसरे काम चलाए तो वधु कहती है कि सदा पति भक्ति में रत रहती हुई पति ही के साथ क्रीड़ा करूंगी मन से भी कभी प्रायपुरुष को ग्रहण नहीं करूंगी यह मेरा तीसरा वाक्य है इस विश्वास रखना कह रहा हूँ कि हे सके विष्णु भगवान तुम्हारी सभी प्रकार की सुख समृद्धि के लिए तुम्हें चौथे पांव चलाएं तो वधु कहती है ध्यान से सुनना ये सप्तपदी सात वाक्य होते हैं कि हे स्वामी मैं चरणों से लेकर सिर के केसों पर्यंत ठीक है आपकी पत्नी आपसे क्या बोल रही है कि चरणों से लेकर सिर के केसों पर्यंत पैरा कलेगी सरा तक ठीक है केसों पर्यंत सुगंध माल्य लेपन आदि मतलब जो कुछ भी होना नेल पॉलिश होया सेंट होया कुछ भी हो जो कुछ होया ठीक है पैरा कलेगी सरा तक माल्य लेपन आदि द्रव्यों से आपका सत्कार करती हुई और सुनहरे आदि वस्त्रों से श्रृंगार करती हुई आपसे ही प्रेम करती रहूंगी सप्त मंडल में यह मेरा चौथा वाक्य है चौथे वाली रखा लगा जाना पंचम पदाकृति हे प्रिय विष्णु भगवान तुम्हारे गाय घोड़े आदि पशुओं की सुख समृद्धि के लिए तुम्हें पांचवें पांव चलाएं तो वधु कहती है कि हे प्राणेश मैं आपके सुख दुख की संभागिनी होने के नाते आपके लिए भार रूप ना होकर आपके सुख में सुखी व आपके दुख में दुखी रहूंगी मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती रहूंगी यह मेरा पांचवा वाक्य है क्रमण की हे प्रिय ठीक है जी कि हे प्रिय विष्णु रूप में चहो ऋतुओं के सुख भोगने के लिए तुम्हें ले जाता हूँ अर्थात आप इसको अपनी पत्नी ग्रहण कर रहे हो किस लिए कि आप अभी तक थे एक कर ठीक है कि आप घर में जाते थे और जब तक कभी माता पिता घर में नहीं है आपको कोई पूछने वाला नहीं था आपने खाया पिया या कहाँ से आए क्या किया ठीक है अब आप इसके लिए इसको लेके जा रहे हो छह ऋतुओं के सुख भोगने के लिए साथ ही तुझे ले जाता हूँ बोले हेमंत में स्त्री दुख
क्षेत्र में अग्नि दोष क्षेत्र होता है, जैसे हमारी सर्दी की ऋतु होती है तो आप बाहर से आते हो, ठीक है, आप ठंड से कांप रहे हो, तो इसका फर्ज बनता है कि भाई मेरा पति आने वाला है तो मैं आग जला देती हूँ, ठीक है। क्षेत्र में अग्नि सुख, बसंत में ब्राह्मण सुख, ग्रीष्म में जल सुख। अभी जैसे गर्मी के दिन है तो भाई इस टाइम इसका फर्ज बनता है, जब मेरा पति बाहर से आएगा तो मैं उसको ठंडा ठंडा पानी पिला, इसलिए ले जा रहे हो आप, ठीक है। वर्षा में गृह सुख, सर्द ऋतु में गो दूध आदि सुख, जो जो ऋतु होती है उनके लिए मैं तुझे ले जाता हूँ। तो वधु कहती है कि हे स्वामी, तो वधु का भी आपसे वचन है कि हे स्वामी, मेरे संबंधी आपके दास बन गए हैं, उन्होंने प्रेम से जल पात्र द्वारा, ठीक है, जल पात्र जो यहाँ पर रखा हुआ था यहाँ पर कुंभ मिट्टी का, ठीक है, जल पात्र द्वारा कंकण बांधकर मुझको दिया है। आपका भी ये नहीं कहना कि आपके संबंधी ने क्या दिया है या क्या ना दिया है, ठीक है, तभी ये नहीं बोलना जी नाना भाई तेल पे ओके ने मुझे ए नहीं दिता, तेल पे ओके ने मुझे ए दिता, ठीक है, क्योंकि अग्नि देवता वगैरह साक्षी। एक स्थान में रहने से प्राय कला हो जाती है, अतः अपने हृदय में कभी दुर्वचन ना लाए, क्योंकि मैं आपकी दासी हूँ, दास के अपराधों को स्वामी सदा क्षमा करता है। सप्तमंडल में यह मेरा छठा वाक्य है, ठीक है जी, छत्तीस वायु रखा लगा जाना। सप्त प्रदाक्रमणम ओम सुके सप्त प्रदाह भव सामाह आदि सातों लोकों में अपनी पति व्रत्य के तेज और लोक उपकार के कारण से खूब विख्यात हूँ, इसलिए विष्णु भगवान तुम्हें सातवें भाव चलाए। तो वधु कहती है कि हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके आंचल पकड़कर अर्थात ग्रंथि वंदन कर, ठीक है जी, जो आपका किया हुआ है ग्रंथि वंदन कर आपके बाम तरफ बैठूंगी, आपके पुण्य का आधा फल लिया करूंगी, बाप का नहीं। देखिए आज का बात है, कोई पुण्य का काम करना था आधा बलिश हो जाना, पाप करना तो रेरा नहीं, ठीक है। तो वर कहता है कि हे सके, सारे संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के बनाए विधान से शास्त्र अनुसार, ठीक है, कुड़िया बोलती कि मैं आपकी अर्धांगनी हो गई हूँ और आप मेरे भर्ता हो गए हैं, आपके और मेरे इस आजीवन अटूट पति पत्नी धर्म संबंध में हमारे मन तक के सभी भाषों को जानने वाले अग्नि देवता हमारे साक्षी हैं। अब कुड़ी क्या बोले कर दी, सात पसंद होने मुंडे रहे कि भाई मैं ये चीज बाहर कमाई की ध्यान करते जो दिन का यहाँ करेगा यहाँ करता, अब एक वचन जड़ा से कुड़ी रहा से कह कुड़ी बोल दी कि मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जहाँ पुरुषों का समाज हो वहाँ बाघ आदि में अकेली जाना, ठीक है, जितने मतलब बड़े मणु ही मणु जितने मतलब तेरा फर्ज बनता जी वह जितने तक ले जाना, ठीक है जी, वहाँ अकेली जाना, जोर जोर से बातचीत करना, बहुत हंसना, ठीक है जी, स्त्री विरुद्ध कार्य हो जाते, बहुत जोर जोर से हंसना, आज्ञा भंग करना, प्राय घर पे काम घूमना फिरना जाना, अर्थात जी पति जी पता नहीं हो जो मेरी दाढ़ी कुछ है दाढ़ी कुछ की चली गई जी, ठीक है जी, आदि स्त्री सब तो बदले वाक्य में आदि स्त्री चरित्र विरुद्ध जो भी कार्य है मैं उनको कभी भी ना करूंगी, जितने वचन मैंने कहे हैं वो सच्चे मन से कहे हैं, मैं आपसे कभी भी छल कपट नहीं करूंगी, ठीक है जी, सत्यविश बार जी टकरा ला जाना जी। अच्छा जी मैं इतना बोल करो ना आई ने जाके पानी पर करना ओम आपाह दिवासत्वा हम शांताः सतताः सता सुक्रमन्तो वेसंचो ओम आपोदिष्टाः मय अनुभवस्तान अर्जोदतां मह नाम सुसे ओम स्वाहा ओम सुमंगली बौद्धांगी मांगवांग मामू, हेलो, पढ़ी जी, दादा को
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम श्रीकाकाय मंगलाय तनो हरि रब ने बनाया के हो जे हदस तूर वे जिन्ना जम्या ना दे कोल हुना पेंदा दूर वे मां दिया ठंडिया छावा भी छड़िया बाबुल दी मर्जी सानु मन जूर चल दे जश्न सवेर तक एथे नी हाय एथे ठंडा तंदूर पया बाबू दा बेड़ा छूट गया माही मना के ले चले आवे मेरा खिलौना रूठ गया बाबू दा बेड़ा तू यार तो लग गया तू तो नहीं मैं तो वैसे ना अपना काम ही करती हूँ कुछ नहीं ये
घर वहा वीडियो कॉल पर दिशा लू
मेरी कोल है ना बूझ के छेड़ चल यार छेड़ दी वाह बूझ के छेड़ दी मांग भी के ना वो मेरी फोटो लगा क्या कितने ना प्यारे Thank you.
फिर।